तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे दम को, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप किया है, आप चाहें तो केचप और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इतना ही केचप ऐड किया है इसके अंदर। तो अब बस इसको तैयार है, तो माशाल्लाह इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है ये। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी जिंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मैक्रोनिया, ठीक है। जब भी आपका मूड करे बच्चों को टिफिन में देनी हो तो जल्दी से झटपट बनने वाली मैक्रोनिया है ये वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक तरफ मैंने मैक्रोनिया को एक पैकेट लिया, ठीक है। इसमें मैंने नमक 1/2 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड करके अच्छे तरीके से मैंने इसको बॉयल कर लिया है। पर बॉयल भी ऐसे करना है कि आपस में चिपके नहीं, यानी कि थोड़ा इसमें हल्की सी कसक रहनी चाहिए। ये मैंने बॉईल कर लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है, सबज धनिया, सबज मिर्च है जो मसाले में इसके अंदर ऐड करूंगी। चुटकी से कम मैंने हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया है, दरड़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून और जीरा 1/2 टेबल स्पून। और जो इसमें सब्जियां जाएंगी, गाजर है एक अदद, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, आलू है और बंद गोभी, ये सारी सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। चाट मसाला मैं इस्तेमाल करूंगी, ऑरेगानो है और केचप और सिरका और सोया सॉस, ये सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। और झटपट से हम जल्दी से बनाने वाले हैं मैक्रोनिया, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट मैक्रोनिया आज बना रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक बर्तन में मैंने आलू और मटर और गाजर को हल्का सा सौते कर लूंगी, यानी कि तकरीबन 20-30% कुक कर लूंगी। वैसे बारीक अगर कटे हुए हो तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अब थोड़े से प्याज को मैं हल्का सा कलर दूंगी और इसमें फिर हम लोगों ने ये बंद गोभी, शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ये जो मसाले हैं सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे इसको, बंद गोभी को और शिमला मिर्च को। टमाटर मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। केचप 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। सिरका 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। सोया सॉस है वो भी 1/2 टेबल स्पून ऐड करूंगी इसके अंदर। बस अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इसको। साथ साथ टमाटर का पानी भी खुश्क हो रहा है और साथ साथ शिमला मिर्च बंद गोभी भी कुक हो रही है। अब जो बाकी की सब्जियां थी आलू, गाजर, मटर, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वैसे ही मैंने शेप इनकी छोटी रखी है। तो थोड़ी देरी बस मैंने इनको हल्का सा बॉयल किया है। अगर आपको लग रहा है कि सख्त है तो आप थोड़ी देर इसको ऊपर ढकना दे के 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ सकते हैं। तो थोड़ी देर कुक करूंगी इसको मैं भी इसके थोड़े ऊपर चूल्हा जरा बंद, चूल्हा इसका स्लो कर देती हूँ, ढकना देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मटर, गाजर और आलू बॉयल हो जाएं। उसके बाद फिर अगले हम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि सब्जियां अपना कलर चेंज कर चुकी हैं। आपको फील हो गया होगा कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो आलू और गाजर मटर थे वो भी गल चुके हैं, क्योंकि अगर गल जाए बॉयल हो जाए तो सब्जियों की रंगत चेंज हो जाती है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी कि मैक्रोनिया जो है वो सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से मैक्रोनियों को मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी से इंस्टेंट यानी कि झटपट बन जाती हैं। अगर आप तैयारी बर वक्त करें, यानी कि एक तरफ आप बॉयल करना रख दें मैक्रोनियों को, दूसरी तरफ मसाला बनाए, तो आपकी बहुत जल्दी बन जाती हैं। अब बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, सेम वही तरीका है इसका भी। अब बस इसका मैं थोड़ा चूल्हा आहिस्ता करूंगी। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम
सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च, ओरिगैनो। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला, और बस हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और इस तरह हमारी मैक्रोनियाँ तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।